हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यूजफुल चीज। हम आज हम बनाने जा रहे हैं इनो। इनो बहुत ही फायदेमंद होती है, सभी के यूज में आती है और डे टू डे लाइफ में तकरीबन हम इनो को यूज कर ही लेते हैं। बेकिंग में भी यूज होती है और कई चीजों में यूज होती है। तो आज हम बनाएंगे इनो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इनो बनाने लगे। इनो आपने देखा ही होगा, इस तरह का इनो जो हम बाजार से लेते हैं, ये सैशे भी हम बाजार से खरीदते हैं इनो के तरह तरह के। तो ये बहुत ही आसानी से हम इसको घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इसको बनाना, बहुत ही चीज़ों में ये यूज़ होता है। जैसे कि हम इसको घर में कुछ बेक करने के लिए यूज़ कर लेते हैं और भी कई ऐसी चीज़ों में, ढोकला बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बड़ी रेसिपीज़ में जो है ये इनो हमारे काम आता है। तो हम इनो को हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमारे को कोई थोड़ी एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो तब आपको बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इनो जो है तकरीबन घरों में यूज़ होता ही रहता है और इतना महंगा महंगा हम बाजार से खरीदते हैं। इतनी सी बॉटल लेने जाए तो 100 रुपये से कम की बॉटल नहीं होती है। ये सैशे भी 10 रुपये का एक सैशे होता है, इसमें सिर्फ 1 स्पून इनो होता है, सिर्फ 1 चम्मच। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक्सपेंसिव पड़ता है और घर में हम इसको बहुत सस्ते में बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल घर में पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए बनाना शुरू। इसके लिए हम लेंगे एक कोई भी बोल या कटोरी आप ले सकते हैं और इसमें डालेंगे हम टार्टरी यानी कि नींबू का सत्त। इसको सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है, हिंदी में इसको टार्टरी कहते हैं। किसी भी ग्रॉसरी शॉप में जाएं और उसको कह दें कि आपको टार्टरी चाहिए तो वो आपको ये आसानी से जो है मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से मिल जाती है टार्टरी। तो ये हमने 20 ग्राम जो है टार्टरी लेनी है, इसको डाल देते हैं। वैसे तो टार्टरी और सारे चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ आसानी से मिल ही जाते हैं, लेकिन इनकेस अगर आपको नहीं मिलते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैंने सबका लिंक डाल रखा है, आप परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन इसको आराम से मंगवा सकते हैं। तो ये डाली हमने 20 ग्राम्स टार्टरी यानी कि सिट्रिक एसिड। इसमें हम डालेंगे सोडा, ये मीठा सोडा है। तो ये भी आराम से किसी भी ग्रॉसरी शॉप में आपको मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता होता है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और ये भी हमारे जो बहुत ही यूज़ आने वाली चीज़ है मीठा सोडा, हम काफ़ी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। मैंने काफ़ी अपनी रेसिपीज़ में इसका यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूँगी, आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमने जो है 35 ग्राम लिए, तो ये डाल देते हैं इसके अंदर। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ये क्वांटिटी जो है इस हिसाब से डबल कर लें तो ये आपका ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा। इसके साथ ही हम लेंगे नमक। नमक हमने नॉर्मल नहीं लेना है, हमने रॉक सॉल्ट लेना है यानी कि सेंधा नमक। सेंधा नमक भी किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है। तो ये हम 33 ग्राम जो है सेंधा नमक डालेंगे, तकरीबन आधा चम्मच के करीब है ये डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें एक बार छान भी सकते हैं ताकि अच्छे से जो है बराबर का ये अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे आप इसी तरह से स्पून से अगर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो लीजिए हमारा इनो पाउडर जो है बनकर तैयार है। आपने देखा कितनी आसानी से बन गया ये झटपट से। तो बिल्कुल भी कोई इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको ना मिले, बहुत ही मिल जाने वाले, ग्रॉसरी शॉप से मिलने वाले ये इंग्रेडिएंट्स हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब मैं इसको जो है इसकी यूसेज बताती हूँ आपको, पानी में डालकर इसको किस तरह से डालना है और कितनी क्वांटिटी में डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इनो हमारा तैयार है, कोई भी खाली इनो की बॉटल लें और इस लंबे समय तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बहुत ही आसानी से आपने देखा हमने इसको घर में बनाकर तैयार किया है, बाजार जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आसानी से हम इसको बिल्कुल उतना ही इफेक्टिव है जो हम बाज़ार से लेते हैं इनो, और जो हमने ये घर में बनाया है बिल्कुल सेम जो है काफ़ी, ये भी बहुत इफेक्टिव है। तो लीजिए हमारी इनो की बॉटल जो है भर गई है, ये देखिए। तो कह सकते हैं हमने इसको घर पे बनाया, बिल्कुल बाजार जैसे इनो हमारा रेडी हुआ है। अभी मैं आपको डालकर दिखाती हूँ ग्लास में। ये लिया मैंने एक ग्लास पानी का और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच इनो। 1 चम्मच इनो हम जो ये सैशे यूज़ करते हैं इसमें भी तकरीबन 1 चम्मच इनो ही होता है, तो हम उसी के बराबर का जो है 1 चम्मच इनो का ले लेंगे। तो लीजिए हमने 1 चम्मच इनो ले लिया, ये डाल देते हैं इसमें। तो ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से इसके बबल उठ रहे हैं, है कि नहीं ये बाजार जैसा बिल्कुल। तो ये देखिए बिल्कुल ही बाजार जैसे इनो हमारा बनकर तैयार हुआ है, वैसे ही बबल्स उठ रहे हैं। टेस्ट में भी ये बिल्कुल वैसे ही होगा, बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी से आपको बहुत ही पसंद आएगा। एक और तरीके से मैं आपको इंस्टेंट इनो बनाना बताऊंगी, अगर आपके पास टार्टरी ना हो घर पर तो आप किस तरह से इंस्टेंट इनो बना सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक, ये सेंधा नमक है, 1 पिंच नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं। इसमें डाल देंगे नींबू, आधा नींबू निचोड़ लेते हैं इसके अंदर। ये टार्टरी का काम करता है,
क्योंकि टार्टरी हमारे पास नहीं है इसलिए हमने इसको नींबू डाल दिया। नींबू बहुत इफेक्टिव होता है। ये डालेंगे मीठा सोडा हम डाल रहे हैं 1/3 स्पून। ये आप देख लें किस तरीके से इसके बबल्स बन रहे हैं। तो ये भी इंस्टेंट इनो आपका रेडी हो गया है। ये भी उतना ही इफेक्टिव है जितना दूसरा इनो इफेक्टिव है, लेकिन कोशिश करें कि आप टार्टरी यूज़ करें और उससे ही बनाएं, उससे जो है बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसा। तो लीजिए बाजार जैसे इनो हमारा घर में बनकर तैयार है, उतना ही इफेक्टिव और बिल्कुल सस्ते में हमने इसको बनाकर रेडी किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपको पसंद आया तो खूब शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।